रविचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल, ये केस बहुत प्री में बहुत पूछा जाता है कि ये किससे रिलेटेड है। ये 2007 का है, नवीन चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल। इसमें कहा गया था कि जो प्राइवेट डिफेंस का जो राइट होता है उसका यूज़ करने के लिए पूरी घटना का परीक्षण सतर्कता पूर्वक किया जाना चाहिए, और ये देखा जाना चाहिए कि जो एक्यूज पर्सन के शरीर पर जो भी चोटें आई हैं तो वो ठीक है या नहीं, क्योंकि कोर्ट ना ये प्रेज्यूम नहीं कर सकती कि ठीक है हाँ इसको चोटें आई हैं, तो इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि इसको प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि जो अभियोजन पक्ष है, जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन के द्वारा एक्यूज के शरीर पर किस तरह की चोटें कारित की गई थी, ठीक है, ये देखा जाएगा कि अगर उसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। जैसे कि मान लीजिए जो एक्यूज्ड है उसके मेडिकल में आता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल था जब घटना घटित हुई थी, और एक्यूज्ड ये कह रहा है कि मेरी जान जाने का खतरा था और ये इसने मुझ पर अटैक किया, तो ऐसा कोई भी प्रूफ मिलता नहीं है, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मिलता है, तो कोर्ट जो है खाली प्रेज्यूम करके नहीं चलेगी। कोर्ट सारी चीज़ें देखेंगी, परीक्षण करेगी, तभी प्राइवेट डिफेंस दिया जाएगा। क्लियर है? यस मैम। इतना सभी को क्लियर है, क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है इसलिए बहुत डीप पढ़ाया है, एक एक चीज़ पढ़ाई है। इसमें दो तीन केस लॉ छोड़ दिए हैं जो कभी नहीं पूछे गए हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 35, जो कि पहले था, क्या था, 97 था, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। अभी हमने जो पहले सेक्शन पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, क्या वो सिर्फ प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड था या फिर बॉडीली और प्रॉपर्टी दोनों से रिलेटेड था? मैम वो सिर्फ प्राइवेट प्रतिरक्षा से रिलेटेड था मैम। उसमें ये बताया गया था कि प्राइवेट डिफेंस में क्या बातें की जाती हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि कोई भी बात ऑफेंस नहीं है जो कि प्राइवेट डिफेंस में की जाती है। अब यहाँ पे बता रहा है कि प्राइवेट डिफेंस कौन कौन से हो सकते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी दो चीज़ों के होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एवरी पर्सन हैज़ अ राइट सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन कंटेंट इन सेक्शन 37 टू डिफेंड। मैम ये पहले 99 में था, जो 37 अभी आ चुका है। जी क्या बता रखा था पहले 99 में, बताइए, कोई बताइए 99 में क्या बता रखा था, क्या रेस्ट्रिक्शन के बारे में बात कर रहा है ये? मैम वही बताया था कि जैसे कि अगर हम लोक सेवक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं तो मैम उसमें प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, और मैम उतनी ही हानि कर सकते हैं हम जितनी की आवश्यकता हो उससे ज्यादा नहीं मैम। और मैम बताया गया था क्या एनकाउंटर वाले मामले में जो पुलिस एनकाउंटर करती है उसमें प्राइवेट डिफेंस लिया जा सकता है? नो मैम। क्या कुछ किसी मैम हाँ लोक सेवा को विधि पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करता है तो मैम उसमें तो नहीं किया जा सकता। हाँ उसमें नहीं किया जा सकता क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन अगर कोई पर्सन जो है वो ये शो कर देता है कि ये इंटेंशनली जानबूझकर इन्होंने किया है तो वहाँ पर जो है तब हो सकता है। ठीक है, यस मैम। मैम एक क्वेश्चन जी, जैसे कभी इनकाउंटर हो रहे हैं किसी व्यक्ति का और अगर उनको पता ना चले कि ये पुलिस वाले हैं जो हमारी मेरे इनकाउंटर करने वाले हैं तो क्या वहाँ पे प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं? हाँ वहाँ पर तो ले सकते हैं, क्योंकि देखो नहीं, अगर उनको ये नहीं पता है कि ये पर्सन जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, आप ये पूछ रहे हो ना कि तब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यहाँ पे ये पता नहीं है कि ये पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है, तो यहाँ पे तो एक तरह से देखो हमने पढ़ा था मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो एक्सक्यूजेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट में तो काउंट नहीं कर सकते कि उसको ये नहीं पता था कि ये पब्लिक सर्वेंट है इसलिए मार दिया, लेकिन कुछ केसेस में इसमें प्ली ली जा सकती है कि वो पर्सन ये बता सकता है कि वहाँ पे सरकमस्टांसेस ऐसी बन गई थी कि मेरी जान जा सकती थी और मुझे नहीं पता था कि ये पब्लिक सर्वेंट है, ये प्राइवेट पर्सन मुझे लगा तो मैंने वहाँ पे डेथ कॉज कर दी। ठीक है, ली जा सकती है, लेकिन यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है, या फिर कोर्ट जो है वो देगी ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ ही लिखा हुआ है कि सेक्शन 37 हो या पहले का 99 हो, तो वहाँ पर अगर ऐसा कोई भी एक्ट किया जा रहा है तो आपको जो है प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस जो है वो
सिंपल कपड़ों में भी आ जाती है, अपने ड्रेस में नहीं होते हैं, सिर्फ सच्चाई का पता लगाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जो CBI को केस दिया जाता है या फिर कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जिनको ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप जाएंगे, प्लेस पर जाएंगे, लेकिन आप अपने ड्रेस में नहीं जाएंगे, तो वो अपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं। अब दूसरा पर्सन क्या करता है, जैसे सत्यजीत आपका क्वेश्चन है, दूसरा पर्सन क्या करता है, वो ये भांप लेता है कि ये पर्सन मुझे मार देगा, तो उसने पहले ही अटैक कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो प्राइवेट पर्सन, मतलब जो पब्लिक सर्वेंट है, वो तो ऑर्डर की कंप्लाइंस कर रहा है ना, इसलिए वो सिंपल यूनिफॉर्म में गया, तो उस पर्सन को यहाँ इस सिचुएशन में तो नहीं मिलेगा प्राइवेट डिफेंस। ओके मैम। और मैम जैसे कि 99 था जो पहले, अब 37 हो गया है, उसके एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि अगर किसी पर्सन को ये नहीं पता कि वो लोक सेवक है या फिर मैम उस अधीन कार्य कर रहा है, तो मैम प्राइवेट डिफेंस हमें ऐसे ही मिलेगा जैसे कि वो लोक सेवक ना हो। हाँ, लेकिन तो इसमें, लेकिन मैंने वो बताया ना, देखो मैंने कहा कि दे सकता है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट पे आप मैंडेटरी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर साथ में अगर वो कंप्लाइंस कर रहा हो किसी के ऑर्डर की, जो पब्लिक सर्वेंट है वो सिंपल यूनिफॉर्म में गया, ठीक है, वो सिंपल यूनिफॉर्म में गया, उसके सुपीरियर ऑफिसर ने उसको ये कमांड दी है, एक ये गाइड किया है कि आप सिंपल ड्रेस में जाएंगे, ठीक है, और वो अपराधियों को ही एक तरह से पकड़ने के लिए गया, उसके पास लाइसेंस है, सब कुछ है, सर्च वारंट है, और मतलब परमिशन लेके गया है, तो वहाँ पे तो नहीं मिलेगा, प्रोवाइजो तो ये कहता है। लेकिन अगर सिंपल वे में अगर वो बिना किसी उसके गया है तो तब मिल सकता है। यस मैम, जैसे कि मैम आपने बताया कि इसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट का भी डिफेंस ले सकते हैं, तो मैम अगर किसी ने ऐसा कार्य कर दिया, किसी लोक सेवक की मृत्यु कारित कर दिए, तो मैम ये उसके डिफेंस के लिए ये एक्सप्लेनेशन काफी है। मैंने ये कहा इसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो काउंट होगा नहीं, मिस्टेक ऑफ लॉ ही माना जाएगा इसको, मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो काउंट होगा नहीं इसमें, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि जहाँ पे लॉ से रिलेटेड है, कोई पर्सन इस बात का डिफेंस नहीं दे सकता कि मुझे नहीं पता था कि इसको मैं मारूंगा तो मुझे इतनी सजा हो जाएगी, या इस बात का डिफेंस नहीं ले सकता कि ये प्राइवेट, ये पब्लिक सर्वेंट, मुझे नहीं पता था कि ये पब्लिक सर्वेंट है तो इसलिए मैंने उसको मार दिया, ठीक है। तो सर्कमस्टांसेस पे देखा जाएगा, क्या सर्कमस्टांसेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे अभी हम कितने सारे केसेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, आपको रीजनेबल एप्रिहेंशन ऑफ डेंजर होना चाहिए, जहाँ पे आपको लगे 100% ये लगे कि मेरी मृत्यु कारित हो सकती है तब। यस मैम, थैंक यू मैम। जैसे अगर कोई क्रिमिनल है तो क्रिमिनल तो बिल्कुल नहीं ले सकता इसका डिफेंस ना, जैसे आपने देखा होगा जितने एनकाउंटर्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे उनकी फैमिली ये प्ली लेने की कोशिश भी करती है कि अगर जैसे वो पब्लिक सर्वेंट पे गोली भी चला देते हैं, उनके पैर में लग जाती है, तो वहाँ पे फैमिली जो है वो प्ली लेने की कोशिश करती है कि जो हमारे जो पर्सन था उसको ये खतरा था कि ये मार सकते हैं पुलिस वाले, तो इसलिए उसने गोली चला दी। लेकिन कोर्ट इस चीज़ को कभी फेवर नहीं करती है, कोर्ट नहीं देती है डिफेंस, मतलब सच्चाई तो यही है। ठीक है, सेक्शन 35 हम पढ़ रहे थे, इसमें बता रखा है कि कब कब जो है रेस्ट्रिक्शंस को बार कर रखा है कि इसके अधीन कब कब जो व्यक्ति है वो नहीं ले सकता, लेकिन बाकी बता रखा है फर्स्ट और सेकंड नंबर पे बता रखा है कि अगर कोई भी पर्सन है हिज ऑन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, तो एक पर्सन एक तो अपने लिए ले रहा है या किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी ले सकता है, जैसे कि मान लो दो भाई हैं, एक भाई को खतरा होने वाला है, मतलब एक भाई खड़ा है सिर्फ और दूसरा भाई पे कोई अटैक करता है, और जो उसका भाई है वो ये देखता है कि अगर मैं इसको नहीं बचाऊंगा अपने भाई को तो ये मेरे भाई को जान से मार देगा, तो वो अगर अपने भाई के लिए भी डिफेंस ले रहा है तो इसको भी एक तरह से प्राइवेट डिफेंस दिया जाएगा। ह्यूमन बॉडी के लिए लिख रखा है ना, बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, देखो ये क्वेश्चन आ रखा है कि क्या सिर्फ अपने लिए लिया जा सकता है या किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी लिया जा सकता है, तो खुद के लिए भी ले सकता है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी ले सकता है। सेकंड है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, प्रॉपर्टी या तो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी आती हैं, आपका फ़ोन है, कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या प्राइवेट डिफेंस मिलेगा उसको, आपको, आपने उसको मार दिया। बताइए,
आवाज आ रही है सभी को? मिलना चाहिए, चोरी तो चोरी है। यस मैम, प्राइवेट डिफेंस तो मिलेगा। मैम उसकी डेथ कॉज कर दे उतना प्राइवेट। मैम चोरी चोरी के लिए नहीं है, लेकिन चोरी करते हुए अगर कोई आपको हार्म पहुंचा रहा है, मैम इसमें कंडीशन दे रखी है ना, 7 कंडीशन है। अगर उसके अंतर्गत आपके साथ में ऐसा होता है तो ही आप ले सकते हो ना। अच्छा 7 कंडीशन दे रखी है, ठीक है। अब वो सिर्फ एक आपका फोन चोरी कर रहा है, ठीक है, आपको कोई भी हार्म नहीं कर रहा है, तब मिलेगा? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। मैम वहाँ पे हम उसको रोक सकते हैं, उसको रोकने का हम प्रयत्न कर सकते हैं ना? रोक सकते हैं। अगर हम उसे रोक रहे हैं तो रोकने पे अगर वो हमें कोई चोट इस तरह की पहुंचाता है या हमारी डेथ कॉल करने वाला है, ऐसे हमें आशंका है तो कर सकते हैं। अच्छा आप सभी ने कभी एक लाइन पढ़ी है कि उतना ही बल प्रयोग किया जाएगा जितना की आवश्यक होता है, उससे ज्यादा नहीं किया जाएगा, तो क्या ये प्राइवेट डिफेंस में एप्लीकेबल होता है? मतलब उसने आपका फोन चोरी करने की कोशिश की, आपके बैग से निकालने की कोशिश करी, आपने उसको हटा दिया, आपने उसको बहुत तेज थप्पड़ मारा या फिर बस से गिरा दिया, उससे उसका हार्ट टूट गया, ठीक है, क्या आप ऐसा करेंगे कि पिस्टल लेंगे या चाकू लेंगे और उसको मार देंगे? नहीं। तो अगर कोई पर्सन, हाँ बताइए। मैम बोल रही हूँ, बचाव का ये अधिकार है ना कि उसने सजा का, प्रतिरोध का। मैम प्रतिशोध नहीं ले सकते, उसमें सिर्फ अपना बचाव कर सकते हैं जितनी की आवश्यकता हो। हाँ जितनी आवश्यकता होती है सिर्फ उतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। कि आपका उसने फोन चोरी करने की कोशिश की, आपने क्या करा, सीधा बस से फेंका और साथ में उसको पिस्टल भी चला दी और चाकू से भी मार दिया, तो इतना बड़ा ऑफेंस नहीं किया है। बस जितना आपको अपनी प्रतिरक्षा लेनी है, ठीक है, उतना ही बल यूज करना है जितने में आप बच जाएं। इसमें बता रखा है द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और इमूवेबल भी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती हैं, ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन, या तो वो उसकी खुद की हो सकती है या किसी अन्य की हो सकती है। अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज़ एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ, कौन कौन सी डेफिनेशन के अंदर आता है, थेफ्ट आ जाता है, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, और विच इज़ एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। तो इन्होंने बता रखा है ये जो डेफिनेशन है, अगर इसकी कैटेगरी में आ रहा है, इस ऑफेंस की कैटेगरी में आ रहा है तब, या फिर अगर वो अटेम्प्ट भी करने की कोशिश करता है, चुराने की कोशिश भी करता है, लूट करने की कोशिश करता है, मिसचीफ करने का प्रयत्न भी करता है, तो तब भी आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। क्या प्राइवेट डिफेंस सभी को मिलता है इंडिया में? यस मैम। अगर कोई बाहर का पर्सन आ जाता है उसे भी मिलेगा? यस मैम उसे भी मिलेगा। उसे भी मिलेगा, उसे क्यों मिलेगा? मैम क्योंकि इसने ह्यूमन बॉडी लिखा है, तो सिटीजन को लिखा है, ये सुविधा के नागरिक। हाँ मिलेगा। हाँ क्योंकि यहाँ पे सिटीजन लिखा है, मतलब ह्यूमन लिखा है, ये नहीं लिखा कि इंडिया का पर्सन लिखा है। कोई किसी भी पर्सन को मिल सकता है, चाहे वो कहीं का भी हो, ठीक है। क्या क्या चीज़ों के लिए मिल सकता है, या तो अपने बॉडी के लिए या फिर अपनी प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक केस था सेकर वर्सेस स्टेट, सेकर मैं लिख देती हूँ। सीनत मैम आपने पढ़ा होगा? इसमें तो बस यही है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का मिला हुआ है ना इसमें जी। सेकर वर्सेस स्टेट 2003 का है। तो इसमें ये बताया गया था कि किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में, सरकमस्टेंसेस में, किसी पर्सन ने अगर प्राइवेट डिफेंस का यूज़ किया है, तो वहाँ पे एक फैक्ट का क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है कि क्या कंडीशन थी, सरकमस्टेंसेस वहाँ पर क्या थी। प्राइवेट डिफेंस का जो एक तरह से राइट है, तो यहाँ पर जो एक्यूज पर्सन है वो उसके एविडेंस को प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाती, मतलब सिर्फ सरकमस्टेंसेस बता देंगी, इतना ही काफ़ी होता है, ठीक है।
तो इसमें मेन ये कहा गया है कि एक्यूज के द्वारा जो है कोई भी दायित्व को निभाया नहीं जाएगा कि एक्यूज क्या उसके लिए लायबल था या नहीं था, सिर्फ यहाँ पे सरकमस्टांसेस देखी जाएंगी कि क्या थी। और एक केस और था, ये पूछा गया है प्री में भी पूछा गया है, जयपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जयपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2000 का ये केस है। इसमें बताया गया था कि जो एक्यूज थे उनके पास बहुत ही डेडली वेपन थे, मतलब बहुत खतरनाक अस्त्र शस्त्र थे, और वो परिवादी के पास आए थे, परिवादी पक्ष का कोई भी जो पर्सन था उनके पास कोई भी हथियार नहीं था। तो कोर्ट ने इसमें ये हेल्ड किया कि आक्रमण करने का आशय जो था वो एक्यूज पर्सन का था, ना कि कंप्लेनेंट का था। तो यहाँ पर ये माना गया कि उन्होंने जो एक्यूज पर्सन थे उन्होंने वाइटल पार्ट्स पर एक्यूज, मतलब वाइटल पार्ट्स पर इंजरी की थी। तो कोर्ट ने ये माना कि यहाँ पर जो पर्सन है उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। जो एक्यूज पर्सन थे उन्होंने ये प्ली चाही थी कि हमें यहाँ पे डिफेंस मिल जाए, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया था। कोर्ट ने इसमें मतलब ये कहा कि जो एक्यूज पर्सन थे उनके पास लाठी और गंडासे वगैरह काफ़ी सारे थे, जो कि एक्यूज के पास कुछ नहीं था, और मतलब जो कंप्लेनेंट था उसके पास कुछ नहीं था। और डॉक्टर का जो मेडिकल होता है उसमें भी ये प्रूफ हो गया था कि जो कंप्लेनेंट है उसको चोट इस तरह की पहुँचाई गई है कि जिससे उसकी मृत्यु होने की भी संभावना थी। तो यहाँ पर आईपीसी का सेक्शन 300 का सबसेक्शन 4 जो है वो अप्लाई नहीं था, और ये माना गया कि इसको कन्विक्शन दिया जाए, मतलब जो एक्यूज पर्सन था उसको कन्विक्शन दिया जाए। एक केस और है, ये भी पूछा जाता है जयपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा ये है 2000 का, 2000 ओके मैम, ठीक है। और एक केस और है रणवीर सिंह एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, रणवीर सिंह है मैम, क्या है रणवीर सिंह, ओके रणवीर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये केस है 2009 का। इसमें ये कहा गया था कि जो एक्यूज्ड है एक्यूज्ड की तरफ कई चोटें आना और अपने आप में प्राइवेट डिफेंस के अधिकार को स्थापित करने के लिए जो है काफ़ी नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब एक्यूज़ को काफ़ी चोटें आई थी तो एक्यूज़ ने ये कहा कि देखिए मुझे डिफेंस मिलना चाहिए क्योंकि मुझे भी ऑलरेडी बहुत चोटें आई थी। तो हम अभी तक यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये प्रज्यूम नहीं किया जाएगा कि एक्यूज़ को चोटें आती हैं तो उसको प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये नेट JRF में भी पूछा है ये क्वेश्चन, और ये APO में भी पूछा है, और जुडिशरी में भी पूछा है। नेक्स्ट एक केस और है नूर मियां लिखा है, और 1945 का केस है। इसमें कहा गया था कि एक्यूज ने जिस पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, हथियार लेकर आए थे तो उनसे हथियार छीन लिए गए थे, तो जो हथियार से जो असॉल्ट किया गया था उससे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो एक्यूज्ड को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यहाँ पर मिलना चाहिए। तो इसमें ये कहा गया है कि एक स्त्री को बलपूर्वक उसकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ पर वो उठाकर ले गया था, उससे संबंधित लोगों ने यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो प्रतीक्षा करेंगे कि पुलिस को सूचना को दी नहीं दी जाती, पुलिस कार्यवाही आरंभ नहीं कर दी जाती। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उस समय भी प्रभावित नहीं होता भले ही बलपूर्वक हटाने की प्रक्रिया उसके पति द्वारा ही की जा रही है। तो इसमें मेन यही कहा गया कि मतलब जो प्राइवेट डिफेंस का जो यूज़ है
जब तक आपके पास में ये है कि आप अपॉर्चुनिटी है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तब तक कोई भी प्रभावित इसको नहीं माना जाएगा। एक केस और है, ये मेंस का आंसर है, इसलिए बहुत अच्छे से, मतलब अगर आपके पास टाइम भी कम है, सिर्फ केस लिख दें और इसका सिर्फ जिस्ट लिख दें कि इसमें क्या कहा गया है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। केस है डमरूधर महंत वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, 1984 का ये केस है। इसमें डिसीज ने कुल्हाड़ी लेकर एक्यूज पर्सन पर प्रहार किया था और उसके सर पे दो बार मारा था। तो उसके बाद जो एक्यूज था, उसने जब उस पर प्रहार किया तो उससे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो कोर्ट ने ये कहा कि एक्यूज प्राइवेट डिफेंस का यहाँ पर लाभ नहीं ले सकता, क्योंकि उसने क्या किया, काफ़ी बार अटेम्प्ट किया था। आपको सिर्फ उतना ही डिफेंस लेना है जिससे आपकी जान बचाई जा सके, ये नहीं कि आपने एक उसके सर पे मारा, वो गिर गया, वो बेहोश हो गया, तो आपके पास इतना टाइम है ना, आप यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, नहीं, उसको एक और मार रहे हैं कि हम तो इसको जान से मारेंगे, इसने अटैक कैसे किया। तो इस केस में यही कहा गया था कि आपने दो बार प्रहार किया, आपके पास बचाव का रास्ता था, ठीक है, आपने उसको एक मारा, आप वहाँ से जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपका इंटेंशन बदल गया, आपने क्या करा, आपने बार बार प्रहार किया। ये तो था बॉडीली। अब आता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। प्रॉपर्टी से रिलेटेड सुना है किसी ने कि कोई केस, कोई बताएगा मुझे? प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है हरियाणा स्टेट स्टेट वर्सेस शेर सिंह। प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है? क्या रॉबरी प्रॉपर्टी में आता है? क्या मिसचीफ प्रॉपर्टी में आता है? क्या ट्रेसपास प्रॉपर्टी में आता है? एक पर्सन है, उसकी बहुत सारी गाय हैं। एक एक्यूज पर्सन आता है, उसकी गाय को खोलने का प्रयास करता है, ले जाने का प्रयास करता है, तो क्या ये डिफेंस ले सकता है? यस मैम। जी मैम, बिल्कुल ले सकता है। हरियाणा स्टेट वर्सेस शेर सिंह में ये कहा गया था कि भीम सिंह, मतलब ये बहुत लंबा केस है, मैं सिर्फ आपको जो मेन चीज़ें हैं वो बता दूं कि इसमें आपस में इनकी लड़ाई हुई थी डिस्प्यूटेड लैंड को लेकर। तो आपस में जब दोनों की लड़ाई हुई, प्रहार किया गया एक दूसरे की साइड से, कुछ जानवर छोड़े गए कि जिससे फसल जो है वो बर्बाद हो जाए, तो लास्ट में कोर्ट ने ये डिसीज़न दिया था कि यहाँ पे ये बोला गया था कि इनको कन्विक्शन मिलना चाहिए, इसका डिफेंस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 300 वर्स 304 का पार्ट 1 जो है वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन बाद में फिर कोर्ट ने ये भी कहा था कि इसमें सेक्शन 326 एप्लीकेबल होना चाहिए, क्योंकि जो चोट की गई है वो सिर्फ इस तरह से दी गई है क्योंकि वहाँ पर उसने अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए किया था। ठीक है, हम सिर्फ एक दो केस, एक केस और बताती हूँ मैं, फिर ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है कट्टा सुरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कटप्पा नहीं है, कटप्पा मूवी याद आ रही है? देश में नाम ऐसा है ना, कोई बात नहीं, कटप्पा से याद कर लो, कट्टा सुरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी।
इसमें ग्रामवासियों के द्वारा सड़क पर रोक लगाने का प्रयास करने के कारण ये घटना घटित हुई थी। जो एक्यूज पर्सन थे उनके पास में काफ़ी सारे डेडली वेपन थे, मतलब बहुत हथियार थे, तो वो सड़क पर रोकने का प्रयास कर रहे थे लोगों को। तो भीड़ में से अभियुक्त और उसके जो आदमी थे उन पर पत्थर फेंके गए। अभियुक्त ने पत्थर फेंका, बंद होने के काफ़ी कारण, मतलब काफ़ी देर तक उसको क्या हुआ, एक पत्थर उसको लग गया। तो यहाँ पे ये माना गया कि जो सेक्शन 97 था, मतलब इसका आईपीसी का, तो यहाँ पे उसका डिफेंस का उसको अधिकार नहीं दिया गया। और साथ में ये भी कहा गया कि ये खाली अनुमानों पर और अटकलों पर आधारित नहीं होता है, क्योंकि वो अंदर बंद था, उसको एक वो मारा गया, पत्थर मारा गया, तो पता नहीं कि किसने मारा हो, ठीक है। तो अनुमानों के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि उस पर्सन ने मुझे पत्थर मारा है। तो क्या होनी चाहिए, घटना बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने मना कर दिया, जो उसने डिफेंस चाहा था वो नहीं मिला। क्लियर है इतना सभी को? ये मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर सारे पेपर्स देखे हैं, अभी तक के जितने हो चुके हैं, तो प्री में हर जगह ये आए हैं, इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया है और सिर्फ वही वही आपको बताएं। शाइन मैम, आपको, शाइन मैम क्लास में है? हाँ जी मैम। मैम थोड़ा आप 10-15 मिनट आप कर लीजिए, क्योंकि एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है।